प्राचीन काल से ही हमारे योगी और महर्षियों ने हमारे दोनों भावों के बीच के स्थान को बहुत ही महत्व दिया है। उनका ऐसा मानना है कि इसी स्थान पर आत्मा निवास करती है और ठीक इसी स्थान पर हमारा पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड छोटे से मटर के दाने के बराबर होता है और यह हमारे बाएं और दाएं दिमाग दोनों दिमाग के बीचों बीच सेंटर में स्थित होता है और यह स्थान हमारे सात चक्रों में से एक चक्र से जुड़ा है जिसे आज्ञा चक्र या अजना चक्र कहते हैं। इसे थर्ड आई या तीसरी आंख भी कहते हैं, जिसको कमल की दो पंखुड़ियों से दर्शाया जाता है और स्वाभाविक रूप से ये कमल की दो पंखुड़ियां हमारे बाएं दिमाग और दाएं दिमाग की ओर संकेत करती है और यह पीनियल ग्लैंड हमारे जीवन के रहस्यमयी आयामों का एक स्रोत है। इसमें बहुत सारे रहस्यमयी राज छिपे हुए हैं, इसीलिए इस ग्लैंड को जानने की और इच्छा बढ़ जाती है। आप जान लें कि हमारी आंखों की कोशिकाओं के अलावा हमारा पीनियल ग्लैंड भी प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यह अंधेरे और प्रकाश में बहुत ही आसानी से अंतर पहचान लेता है, इसीलिए यह हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। और जब सूर्यास्त होने लगता है, जब रात होने लगती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमारा पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है और यह मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने लगता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करता है और यह बहुत ही रहस्यमयी तरीके से काम करता है। हमारे योग ऋषि कहते हैं कि इस स्थान पर एक अदृश्य छिद्र होता है जिसे साइंस आज बर होल कहता है और यह छिद्र बहुत ही प्रकाशमान प्रदीप्त रहता है। यह अपना प्रकाश बिखेरता है और जब कोई ध्यान का साधक इस प्रकाश में फोकस करता है, इसी प्रकाश पर अपना ध्यान लगाता है, तो वह इस पृथ्वी से परे अलौकिक ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और जब साधक इस प्रकाश पर फोकस करता है तो वह परम सत्ता से जुड़ जाता है, वह शुद्ध पुरुष बनने लगता है, उसे सिद्धत्व प्राप्त होता है। और कुछ साधकों के अनुभव कहते हैं कि जब वे पीनियल ग्लैंड के ऊपर फोकस करते हैं तो उन्हें ध्यान में एक चमकीला सफेद प्रकाश दिखाई देता है और इस प्रकाश को देखते हुए वे अंदर ही अंदर आनंदित होने लगते हैं। तो पीनियल ग्लैंड कोई साधारण ग्लैंड नहीं, यह रहस्यमयी तरीके से काम करता है। यह हमारे भौतिक, अभौतिक और आत्मिक शरीर पर काम करता है। तो यहां मैं आपको कुछ छोटी छोटी यौगिक क्रियाएं बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, थर्ड आई को इसकी पूर्ण क्षमता तक विकसित कर सकते हैं। पहला जो उपाय है वह है अपने फोरहेड, अपने ललाट के प्रति जागरूक होना। हमारा शरीर कुछ इस तरह काम करता है कि जब हम अपने शरीर के किसी खास अंग के प्रति
चेतन होते हैं तो यह अच्छी तरह से काम करने लगता है। तो आप अपने ललाट के प्रति जागरूक होकर अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी क्रियाएं करके इस स्थान पर आप अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। स्त्रियां इस स्थान पर बिंदी लगाती हैं तो उनका ध्यान बार बार यहां जाता है, तो वहीं पुरुष यहां तिलक लगाते हैं और पूरे दिन उनका ध्यान यहां बना रहता है। ऐसा करने से इस स्थान पर थोड़ी सी कठोरता आ जाती है और आपका ध्यान बार बार ऑटोमेटिक अपने आप वहां चला जाता है। हमारे ऋषि मुनि साधु संत यहां चंदन का टीका लगाते हैं क्योंकि यह स्थान हमारे शरीर के बाकी अंगों से बिल्कुल भिन्न है, यह कुछ अलग तरीके से काम करता है। यहां जो संवेदनशीलता है शरीर के किसी अंग में नहीं। योग विज्ञान में इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही रोचक यौगिक क्रिया बताई गई है, आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करें और जिस प्रकार शांभवी मुद्रा लगाते हैं आंखों की दोनों पुतलियों को ऊपर की तरफ घुमाकर अपने पीनियल ग्लैंड को देखें पर आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। ये क्रिया आपको बंद आंखों से करनी है और इसी अवस्था में आप कुछ देर तक बने रहें। हो सकता है शुरुआत में आपके सिर में कुछ भारीपन महसूस हो पर प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से एक आरामदायक स्थिति की अनुभूति आपको होने लगेगी। आप कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें और प्रतिदिन के अभ्यास में आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है प्रकाश प्रबंधन, लाइट मैनेजमेंट। सूरज जब डूबता है धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और सभी वस्तुएं डार्क हो जाती हैं और ठीक उसी समय हमारा पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। और उस समय हम क्या करते हैं, हम ठीक उसी समय अपने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं और तेज बल्ब की रोशनी से पूरे कमरे को घर आंगन को जगमगा देते हैं। और तेज बल्ब की रोशनी में हम देर रात तक बहुत देर तक काम करते हैं और हम जितना दिन में एक्टिव रहते हैं रात को भी उतना ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन प्रकृति ने दिन को काम करने के लिए और रात को विश्राम करने के लिए बनाया है। प्रकृति इस काम में हमारी पूरी मदद करती है लेकिन हमने प्रकृति के इस चक्र को अपने सुख सुविधाओं से बिगाड़ दिया है। तो प्रकृति के नियम को तोड़कर हम दिन रात काम करते हैं और हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता। जब रात हो जाती है हम तेज बल्ब की रोशनी में काम करते हैं, हम मोबाइल और टेलीविजन देखने लगते हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की जो तेज ब्लू लाइट है वह तेज रोशनी में आपको बहुत देर तक जगाए रखती है। इस प्रकार आपका पीनियल ग्लैंड प्रभावित होता है क्योंकि पीनियल ग्लैंड लाइट के प्रति बहुत ही सेंसेटिव होता है। तो एक बात का आप ध्यान रखें, सोने से एक घंटे पहले, एक छोटा सा काम, सोने से एक घंटे पहले आप मोबाइल टेलीविजन कंप्यूटर और लैपटॉप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। आप अपने कमरे की सारी लाइट्स को ऑफ कर दें, नाइट बल्ब जला दें
और ऐसा करने से आपका पीनियल ग्लैंड बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा और पूरी रात आपको मीठी नींद आएगी। और अब आपको करने हैं आंखों से संबंधित कुछ अभ्यास, आई एक्सरसाइज। आपका पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन और आपके आंखों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको आंखों से संबंधित कुछ एक्सरसाइज करने चाहिए। पहला अभ्यास, आप अपने हाथ की हथेली को बिल्कुल अपने आंख के नजदीक रखें और इस हथेली पर ध्यान रखते हुए आप दूर की वस्तुओं को देखें। दूसरा अभ्यास, आप अपने दोनों आंखों की पुतलियों को बाएं और दाएं घुमाएं, कुछ देर तक आप इसे घुमाते रहें। और तीसरा अभ्यास, आप अपने दोनों कंधों को बारी बारी से अपनी दोनों आंखों से देखना शुरू करें। दोनों आंख से आप अपने बाएं कंधे की तरफ देखें तो फिर दोनों आंखों से आप अपने दाहिने कंधे की तरफ देखें। चौथा अभ्यास, आप अपनी दोनों आंखों से अपने नाक के अग्रभाग को, इस नुकीले सिरे को देखें और कुछ देर तक इसी अवस्था में आप बने रहें। पांचवा अभ्यास, आप अपने दोनों आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ घुमाकर अपनी दोनों भौहों के बीच अपने पीनियल ग्लैंड की तरफ देखें और कुछ देर तक आप इसी अवस्था में बने रहें। और इन सभी अभ्यास को बिल्कुल सुगमता पूर्वक, बिल्कुल सहजता से, जब तक सहज हो तब तक आप इसका अभ्यास करें। जब तक आनंददायक स्थिति हो तब तक इसका अभ्यास करें और जब किसी प्रकार की परेशानी हो, आंखों में या सिर में भारीपन महसूस होने लगे तो आप इसका अभ्यास न करें। अपनी क्षमता को आप स्वयं पहचानते हैं, उसी अनुसार आप इसका अभ्यास करें। आंखों के इन सभी एक्सरसाइज का आप अभ्यास करें, इससे आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी और आपका पीनियल ग्लैंड ठीक से काम करेगा। हम अपने पूरे जीवन अपनी आंखों का इस्तेमाल करने में व्यस्त रहते हैं और हम बहुत ही तीव्र गति से इसका इस्तेमाल करते हैं और हम इसके इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी ऊर्जा की खपत करते हैं। पर क्या आपको मालूम है एक तीसरी आंख भी है जो हमेशा यह निरीक्षण करती है कि आपकी दोनों आंखें क्या देख रही हैं और आपका यह दिमाग क्या सोच रहा है। तो आप उसके प्रति जागरूक हो जाए, हमेशा प्रकृति के सामंजस्य में रहें और अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ हमेशा एक तालमेल बनाए रखें।